मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैन स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया, साथ ही परिसर में पौधे भी रोपित किए गए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुझे ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय एवं प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली में उत्तराखंड के हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण में हुए शहीदों को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के प्रति वो अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैन में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित होना उत्तराखंड के लोगों के जन भावनाओं का सम्मान है। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति एवं लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष में विभिन्न विद्यालयों के 24 बच्चों को पारितोषिक के रूप में 500 और 30 बच्चों को 2,000 रुपये के चेक भी भेंट किए गए।